जी हाँ, आपने सेव वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैफे या फिर कॉफी हाउस ओपन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में कैफे या कॉफी हाउस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होता है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। उसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। उसका मिनिमम वैलिडिटी 1 साल के लिए होता है और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल कंप्लीट हो जाने के बाद वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करने की जरूरत होता है। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगेगा उसका नाम है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है। उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। आपको एक बार अप्लाई करना होगा, लाइफ टाइम जब तक आपका बिजनेस है तब तक वो लाइसेंस वैलिड है, उसको कोई रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं होता है। नंबर 3 पे जो लाइसेंस लगेगा उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस ये आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है। आपका जो भी स्टेट होगा वही स्टेट गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटी से ये लाइसेंस आपको रिसीव होता है। और इंडिया में हर स्टेट का जो ट्रेड लाइसेंस का वैलिडिटी अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नंबर 4 पे जो लाइसेंस लगेगा उसका नाम है लेबर लाइसेंस। आपका कैफे या फिर कॉफी हाउस पे टोटल नंबर ऑफ लेबर, कितना लेबर वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका एम्प्लॉय, आपको लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये भी आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ही इशू होता है। और इंडिया में हर स्टेट का लेबर लाइसेंस का भी वैलिडिटी अलग अलग होता है। बेसिकली कैफे या कॉफी हाउस ओपन करने के लिए ये 4 लाइसेंस लगता है, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, FSSAI फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और लेबर लाइसेंस। लेकिन ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ये 4 लाइसेंस, लेकिन आपका बिजनेस अगर लार्ज स्केल में है जिनका टर्नओवर ईयरली 20 लाख से ज्यादा है तो उनको GST रजिस्ट्रेशन, गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और ISO सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। ये लार्ज स्केल के लिए मैं बता रहा हूँ। वो 4 लाइसेंस के साथ साथ ये 3 लाइसेंस भी उनको लेना पड़ेगा। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस या फिर न्यू स्टार्टिंग बिजनेस है तो मैंने जो पहले 4 लाइसेंस बताया वो 4 आपको लेना पड़ेगा। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में जो ओनर होंगे मतलब जिनके नाम पे लाइसेंस अप्लाई होगा उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फिर आप जो भी जगह पे ये कैफे या कॉफी हाउस ओपन करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी अगर रेंट पे आपने दिया है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर खुद का प्रॉपर्टी पे वो आपने ओपन किया है तो उस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना पड़ेगा। और ये सभी लाइसेंस आपको 7 to 10 days, 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर, आप जो अप्लाई करते वक्त जो ईमेल आईडी देते हो वो ईमेल आईडी पे आपको रिसीव होता है PDF फॉर्मेट पे। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको लेमिनेशन करके रखना होता है। कुरियर के द्वारा होम डिलीवरी कोई भी लाइसेंस नहीं होता, आप ये ध्यान पे रखिए। व्हाट्सएप पे हम आपको सेंड कर देंगे और ईमेल पर आपको ये सभी लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। अगर आपका भी अगर ये कैफे या कॉफी हाउस है और उसका लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पे कॉल कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। आपको बस जो हमने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे हमको सेंड करना होगा। आपका डॉक्यूमेंट लेके हम गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अप्लाई और अप्रूव करा के देंगे। आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पे सभी काम हम करा के आपको देंगे। तो तुरंत स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ बातचीत कीजिए और आपका कैफे या फिर कॉफी हाउस का लाइसेंस प्राप्त कीजिए।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।